नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, झारखंड खनिज संपदा से, हीरे जवाहरात से समृद्ध होने के साथ साथ झारखंड वीरों की धरती भी रही है। इस धरती पर एक से एक वीर पैदा हुए हैं, वह चाहे चुवाड़ विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी रघुनाथ महतो हों, चाहे उलगुलान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा हों, या हूल आंदोलन करने वाले क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू चांद भैरव हों, यदि इनमें से किन्हीं एक को भी झारखंड के इतिहास से निकाल दिया जाए तो झारखंड का इतिहास अधूरा रह जाएगा। जी हाँ बच्चों, इन सभी महात्माओं ने झारखंड के जल जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए हजारों लोगों के साथ अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना, आज के ही दिन यानी 30 जून 1855 को संथाल की हूल क्रांति को आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह 1857 जो कि सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन असल में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यदि कहा जाना चाहिए तो हूल दिवस को कहा जाना चाहिए जो 30 जून 1855 को हुआ था। इसके 1857 के पूर्व की यह लड़ाई थी जो अंग्रेजों के साथ लड़ी गई थी। झारखंड के क्रांतिकारी नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू के आह्वान पर झारखंड के वर्तमान में साहिबगंज जिला और राजमहल के भोगना डी में 400 गांवों के 50,000 आदिवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में मुख्य रूप से सेनापति सिद्धू कान्हू और उनके भाई चांद और भैरव ने निभाए थे। इन चारों भाइयों की जन्मस्थली भी भोगनाडीह ही है। यहाँ आदिवासी भाइयों सिद्धू कान्हू की अगुवाई में संथालों ने मालगुजारी यानी ज़मीन का जो राजस्व भू राजस्व होता है उसे नहीं देने के साथ से अंग्रेजों को हमारी माटी छोड़ो ऐसा ऐलान कर दिया, और इससे घबरा कर अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन शुरू कर दिया। एक तरफ अंग्रेजी सरकार की ओर से आए जमींदारों और साहूकारों और सिपाहियों को संथालों ने मौत के घाट उतार दिया, और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने विद्रोहियों को ख़त्म करने के लिए क्रूरता की जितनी हदें थी सारी पार कर दी। बहराइच में चांद और भैरव को अंग्रेजों ने मौत की नींद सुला दी, और दूसरी तरफ सिद्धू और कान्हू को पकड़कर भोगनाडी के गांव में ही पेड़ से लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी। इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महान क्रांति में लगभग 20,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। एक अंग्रेज इतिहासकार हंटर लिखता भी है कि आदिवासियों के इस बलिदान को लेकर कोई भी अंग्रेज सिपाही ऐसा नहीं था जो शर्मिंदा ना हुआ हो, क्योंकि इस जंग में जहां एक तरफ आदिवासी पारंपरिक हथियारों जैसे तीर धनुष भाला से युद्ध कर रहे थे तो दूसरी तरफ अंग्रेज उस समय के जो अति अत्याधुनिक जो हथियार थे अस्त्र शस्त्र से लड़ाई कर रहे थे। संथाली में भोंगा देवता की पूजा की जाती है जिनके हाथ में 20 अंगुलियां होती हैं। इस देवता के कहने पर ही भोगनाडी गांव के चुन्नी मांडी के चार बेटों सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने मालगुजारी और अंग्रेजों और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ 30 जून 1855 को पूरे संथाल में डुगडुगी पीटकर विद्रोह का ऐलान किया था। अंग्रेजों ने सोच के रखा कि गांव घर के सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों, प्राकृतिक जीवन बिताने वाले लोगों, सादा जीवन जीने वाले बिताने वाले इंसानों, साड़ी और धोती सिंपल सा पहनकर जीवन बिताने वाले लोगों और मात्र तीर धनुष भाला
कुदाली, लाठी, इन सब से युद्ध करने वाले आदिवासियों को बहुत आसानी से वे हरा देंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। आदिवासियों ने मिलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन महान हूल क्रांति जनवरी 1856 में समाप्त हो गई और इसके बाद संथाल परगना का निर्माण हुआ। आप जानते हैं संथाल परगना अभी एक प्रमंडल है जो ज़िले से भी बड़ा होता है और इसका मुख्यालय दुमका बना। इस महान क्रांति के बाद 1900 ईस्वी में एक कमेटी ने आदिवासियों के लिए बंदोबस्त अधिनियम बनाया। इसमें ऐसा नियम किया गया कि आदिवासियों की ज़मीन कोई आदिवासी ही खरीद सकता है। खरीदने वाला क्रेता और बेचने वाला विक्रेता, दोनों का जो निवास स्थान है वो एक ही थाना के अंतर्गत होना चाहिए। आज भी इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही झारखंड में आदिवासी ज़मीन का हस्तांतरण, जिसको कि ये ट्रांसफ़र कहते हैं, करने का प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जब 1949 में पारित किया गया तो 1900 के इस बंदोबस्ती नियम के इस शर्त को धारा 20 में जगह दी गई जो आज भी लागू है। यह सभी प्रावधान और नियम अधिनियम इन महान क्रांतियों का ही परिणाम था, ताकि कोई भी बाहरी आकर इनका शोषण नहीं कर सके। उनकी जमीन, उनका जल, उनका जंगल कब्जा नहीं कर सके। तो बच्चों, आज के दिन हम उन हुतात्माओं, उन महान आत्माओं को झुककर दिल से नमन करते हैं, जिनके दम पर, जिनके कारण आज हम अपने देश में स्वतंत्र हैं। और हमें झारखंड में पैदा होने पर इस बात के लिए फख्र है, गर्व है कि हम उस धरती पर जन्म लिए हैं जिस धरती पर महान क्रांतिकारी सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव जैसे शहीद पैदा हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय हूल क्रांति।